महंगाई, बमों की बरसात जारी और एक और बम गिरा दिया गया। सुर्ख मिर्चों 30 रुपए, बीफ 25 रुपए, मटन 50 रुपए किलो महंगा, दूध दही फी किलो 5 रुपए, काला चना 5, बेसन 4 और दाल चना 10 रुपए महंगी। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर न्यूज ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। गिरफ्तार ब्यूरोक्रेट्स आहा चीमा और फवाद हसन फवाद के गिर्द नाक का शिकंजा मजीद सख्त। आहा चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। आहा चीमा पर 70 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम। फवाद हसन फवाद से भी मजीद तहकीकात होगी। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वजीर जेल खाना जात का कोटलखपत जेल में अचानक छापे का मामला। सुप्रिटेंडेंट जेल की वजीर के खिलाफ शिकायती खत की कॉपी लाहौर न्यूज को मौसूल। वजीर जेल खाना जात ने प्रिजन रूल 1987 की खिलाफ वर्जी की। वजीर जेल के साथ आई टीम ने मुलाजमीन के साथ हद कामेज रवैया अपनाया। वजीर जेल ने जेल ड्यूटी की जबरदस्ती चाबियां छीनी। खत का मतन। साबिक सदर रफीक ताड़र की सरकारी रिहायशगाह में मजीद कयाम की दरख्वास्त मुस्तरद। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रफीक ताड़र को 14 रोज में सरकारी रिहायशगाह खाली करने का हुक्म। साफ पानी को महफूज करने का मामला कल भी अदालत लगेगी। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी को कल तलब कर लिया। एमडी वासा, एडिशनल डीजी PHA नाहिद गुल, सेक्रेटरी आपपाशी, वाटर पॉलिसी के अफसरान और सर्विस स्टेशन एसोसिएशन के ओहदेदार भी तलब। साफ पानी को महफूज करने के लिए तमाम वसायल बरूएकार लाए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। साइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मॉल रोड पर 4 रोज में 8,284 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान। बगैर हेलमेट पुलिस एहलकारों को भी जुर्माने करने की हिदायत। 1 अक्टूबर से जेल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के दाखिले पर पाबंदी आयद। शहरियों के चालान पे चालान पुलिस वालों को फ्री हैंड। ई चालान का खौफ, न हेलमेट की पाबंदी। बगैर हेलमेट के पुलिस एहलकार सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। मॉल रोड और हॉल रोड के बाद अब जेल रोड क्लीन अप मिशन। अदालती हुक्म पर जेल रोड की सर्विस लेन पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। शोरूम्स के सामने गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए उठाया जाने लगा। 1 अक्टूबर से सूबे भर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। सियासी दबाव को खातिर में न लाया जाए, तजावजात के खिलाफ तमाम इदारों को मिलकर काम करने की हिदायत। सूबाई वजीर का कहना है कि आइंदा 2 हफ्ते हर जिले की इंतजामिया का इम्तिहान है। 100 रोजा प्लान में 15 शोबों पर काम कर रहे हैं। लग्जरी टैक्स और टोकन टैक्स नादहिंदगान की शामत। महकमा एक्साइज का 1 अक्टूबर से टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर 200% जुर्माने करने का फैसला। गाड़ियों की मैनुअल किताब खत्म, अब स्मार्ट कार्ड चलेगा। महकमा एक्साइज ने स्मार्ट कार्ड की कीमत 530 रुपए मुकर्रर कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की मुलाकात। कौमी और सूबाई मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अफवाज ने दलेरी और बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। अवाम गैर मुल्की जारहियत का मुकाबला करने के लिए फौज के शाना बशाना है।
शहर में दिन भर धूप छांव का सिलसिला, कहीं बारिश कहीं यालाबारी। कोट ख्वाजा सईद, चाइना स्कीम, मनामा, समनाबाद, मजंग में बारिश, जौहर टाउन और एतराफ में यालाबारी। मशरक से आने वाले बादलों ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब में टीबी के मरीजों का एड्स टेस्ट कराने का फैसला। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तमाम अजला में किट्स भिजवा दी गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का इजलास। अब्दालीन सोसाइटी जौहर टाउन में डीजी आर्कियोलॉजी पंजाब जाहिद सलीम गोंदल के बेटे शजान की रस्म कुल। CCPO, DIG ऑपरेशन, कमिश्नर लाहौर, RP और राजा रफत, सुल्तान चौधरी, अली नासिर रिजवी, जस्टिस शहबाज समेत अहम सियासी, समाजी और सरकारी अफसरान की शिरकत। अस्करी चैन में अंडर 16 बॉयज 7 साइड रग्बी चैंपियनशिप के मुकाबले, मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा के दरमियान मैच। रग्बी में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पोल्ट्री की सनअत को फरोग देने की काविशें। एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एक्सपो का दूसरा रोज, 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। कारोबारी अफराद की गहरी दिलचस्पी।